वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल फ्रूट मार्केट सुपरमॉल में आप सबका खुश आमदीद। आज 9 दिसंबर 2022 का दिन है। आज क्या कुछ बाजार रहा है फ्रूट मंडी सुपर में, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पर वक्त पहुँचता रहे। दोस्तों आज फ्रूट मंडी का अरेवल तकरीबन 150 से 200 गाड़ियों के करीब है, जिसमें अमेरिकन डिलीशियस महाराजी और रेल शामिल है। तो दोस्तों फ्रूट मंडी सुपौल जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी, जबकि आप ये माल देख सकते हो। और अगर हम आज की रेट की बात करेंगे तो आज का बाजार रहा है 5 ईयर का बाजार रहा है 350, 450, 550, 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
17 से 18 केजी के आसपास। और अगर हम फोर लीयर की बात करेंगे तो फोर लीयर का बाजार रहा है फ्रूट मंडी में 300-350 और कोई कोई लाट 400-420 रुपये तक भी बिका है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी समेत हैं। और उसका वज़न की अगर हम बात करेंगे तो वज़न है इसका 13 से 14 किलो के आसपास, जो कि आप ये सेब देख रहे हो जो कि कश्मीर है, जो पूरे वर्ल्ड में कश्मीर सेब से जाना जाता है। सेब इंडस्ट्री का जो मरकज़ है वो जम्मू कश्मीर है, जहाँ सेब ज़्यादा निकलते हैं। पूरे दुनिया में मशहूर है सेब की वजह से कश्मीर, और खूबसूरती के वजह से माना जाता है, जन्नत बेनज़ीर जिसको कहा जाता है। इसी का ये सेब जो है, ये इसमें मिठास होता है भरपूर। तो लेकिन यहाँ जो किसान हैं वो इस साल दब चुके हैं, उन्हें बहुत खसारा हो चुका है, जबकि एक पेटी में तकरीबन 50-150 रुपये का खसारा मिल रहा है एक किसान को। जबकि किसान ही है एक वाहिद, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसी के ज़रिए मुल्क चलता है, मुल्क तरक्की करता है। पर बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान में इस टाइम किसान जो है वो सबसे पीछे है, सबसे गरीब हो चुका है। जबकि एक गवर्नमेंट को चाहिए कि एक किसान को हर तरह का फैसिलिटी मैसर होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए, चाहे पेस्टिसाइड में, चाहे पेटी की सूरत में, चाहे कागज़ की सूरत में, लेकिन उस के मुकाबले में उसको बढ़ोतरी हो रही है, चाहे कागज़ हो, कील हो, पेस्टिसाइड हो, जो भी एक किसान को चाहिए उसको ज़्यादा ही रेट में बाज़ार में मिलता है, जो कुछ भी एक किसान को खर्च काम आता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो, टिलर हो, बाकी मशीनरीज हो, उन्हें इजाफा ही हो रहा है, उन्हें सब्सिडी नहीं मिल रही है, जबकि उन्हें सब्सिडी मिलना चाहिए था, तब जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उन्हें जब फ़ायदा मिलेगा तभी मुल्क को तरक्की मिल सकती है। तो ये बदकिस्मती है, पता नहीं गवर्नमेंट एक किसान को सब्सिडी क्यों नहीं दे रहा है, जबकि कश्मीर को या हिमाचल को या बाकी साइडों को फ्रूट इंडस्ट्री का दर्जा होना चाहिए, जबकि इसके ज़रिए किसान एक तरक्की में आ जाता और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाता, ताकि मुल्क को ऊंचाई पर ले जा सके। एक किसान ही है वाहिद, एक किसान ही है जो मुल्क को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है, क्योंकि जो भी मुल्क का खजाना होता है वो एक किसान ही भर सकता है, वही सब कुछ कमाता है, तब जाके वो फैक्ट्रियों में जाके, कंपनियों में जाके पैकिंग हो रही है, वही बाज़ार में होता है, और फिर वो टैक्स दे सकते हैं। जब एक किसान कमाता है तब कोई कंपनी टैक्स दे पाएगा। जैसे कि हम मानेंगे सेब, इसमें जूस भी निकलता है, इसमें और भी दवाएँ भी बनता है, और अखरोट मानो, दाल वगैरह, चावल, जब ये किसान कमाएगा तभी
एक कंपनी बन पाएगी, तभी एक कंपनी है, तभी एक इंडस्ट्री है कोई जो कि पैकिंग कर रहा है, बाकी दीगर मुल्कों में भेज रहा है, अपने मुल्क में भेज रहा है, तब जाके वो टैक्स देता है। तो एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, होना चाहिए था, गवर्नमेंट के ज़रिए सब्सिडी मिलनी चाहिए पेस्टिसाइड में, बाकी चीज़ों में। तो एक किसान जो है आज बहुत गिर चुका है। अगर हम किराए की बात करेंगे तो किराया भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किराया जो है वो कम होना चाहिए ताकि एक किसान को थोड़ा सा राहत मिल पाए, या ट्रांसपोर्ट कभी कभी क्या इस साल पूरा साल जो है वो बंद ही रहा है। नेशनल हाईवे वहाँ 10-10, 20-20, 10-10, 15-15 दिन गाड़ियों को रोका गया है, जिसके ज़रिए एक कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब लग रहा है कि अगला साल जो है कोई दवा भी नहीं छड़क पाएगा, क्योंकि उसके पास अब पैसे जेब में नहीं हैं, जबकि एक पेटी में 50-100-150 रुपया उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लीज़ 50,000 से लेकर कम से कम 3,00,000 रुपये तक का जो केसीसी लोन है वो एक किसान को माफ़ किया जाए, ताकि थोड़ा सा वो राहत का सांस ले पाए, क्योंकि जितना कर्जा इस साल एक किसान को चढ़ चुका है, उसे उन 3,50,000 से लेकर या 3,00,000 तक अगर जिसको लोन है, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2,00,000, किसी को 3,00,000, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना कर्जा आ चुका है एक किसान पर। लेकिन थोड़ा सा राहत का सांस ले पाएगा अगर ये गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि वो कश्मीर का जो भी ये केसीसी जिसके पास भी वो माफ़ किया जाएगा 50,000 से लेकर 3,00,000 तक, तो थोड़ा सा राहत का सांस ले पा सकेगा एक किसान। तो अगर हम बात करेंगे अमेरिकन की, तो अमेरिकन डब्बा बिक रहा है आज 200-250-300 रुपये तक, कोई कोई लाट 320 या 330 या 350 में बिक रहा है, जबकि पेटी 400-450 या 600, कोई कोई लाट 700 रुपये में भी बिक रहा है। अगर हम महाराजी की बात करेंगे, महाराजी 200-250 या 300 रुपये तक, और अगर हम रोल की बात करेंगे डिलीशियस रोल, तो रोल बिक रहा है 200-250 या कोई कोई लाट 300-320 या 330 रुपये तक बिक रहा है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समेत है। और अगर हम रेल की बात करेंगे तो रेल बिक रहा है 200-250 रुपये तक बिक रहा है, जबकि इसमें एक किसान को, एक ग्रोवर को, एक फार्मर को बहुत सारा नुकसान इस साल उठाना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्लीज़ केसीसी का जो लोन है 50,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक माफ़ किया जाए, ताकि एक किसान जो है वो राहत का सांस ले पाए, जबकि एक ट्रक का किराया एक पेटी का होता है तकरीबन आज 80-90-100 रुपया दिल्ली और पंजाब 70 रुपया तकरीबन, बाकी स्टेशन के लिए 100-150-120-200 रुपया, उसमें भी किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उसकी पेटी उस वजह से कम रेट में उठाया जा रहा है, 10-20 रुपये उसके लिए कम किया जाए, 10-20 रुपये बाकी चीज़ों के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम कोई फिक्स रेट इसके लिए करना चाहिए, जिसमें ड्राइवर भी बच जाए और किसान भी बच जाए, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और इस कश्मीर को फ्रूट इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिसके चलते एक कश्मीर का जो किसान है, जो हिंदुस्तान का ताज माना जाता है, खुद हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा ताज है, जब ताज है तो इसे सोने हीरे जवाहरात से सजाना चाहिए था, नहीं कि एक जंग लगा हुआ लोहे का ताज सर पर नहीं जचता है, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अगर ताज है तो उस ताज को हीरे जवाहरात से सजाना चाहिए होता है। बाकी जितने भी मेरी व्यूअर्स हैं, वीडियो देखने वाले हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंच जाए। बाकी मैं अपने सारे सब्सक्राइबरों को
और मेरे वीडियो देखने वालों को जो मेरे सब्सक्राइबर रहे हैं उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरा जो भी वीडियो होता है वो देखते हैं और आगे शेयर करते हैं। थैंक यू।